ओके बताइएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। यस मैम। ओके, तो आज के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट इज आईकोड गुरु एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर। बेसिकली आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको करियर गाइडेंस और आपके स्किल सेट्स को इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली इसका जो मोटो है आईकोड गुरु का, वो शेयर लर्न एंड ग्रो है, जहाँ पे आप लोग अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों से लर्न करते हैं और आपस में हम लोग मिलके ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मिशन है वो एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस करना है, जो हाईटेक स्किल्स में, जो हाईटेक जॉइंट्स में जो स्किल्स डिमांडिंग हैं उनको डिवेलप करना स्टूडेंट्स में, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी फ्यूचर में अच्छी सिक्योर कर सकें जॉब्स और अपना जो है ना फ्यूचर सिक्योर कर सकें एट इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर। तो हमारे साथ इंटरनेशनल मेंटर्स होते हैं जो हमें हर तरह से गाइड करते हैं कि व्हाट शुड वी डू इन अवर करियर और हमें कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना चाहिए, विच इज़ द राइट पाथ, ठीक है, फॉर मेकिंग द करियर और अवर फोकस एंड हाउ वी वर्क। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो कोडिंग पर होता है, प्रोग्रामिंग पर होता है, राइट? तो हमारे 6 सेशंस होते हैं पर डे, और हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें मोस्टली जो है वो कोडिंग के ऊपर ही हो रहे होते हैं, ठीक है। तो एक वीकली वेबिनार होता है और उसमें भी हम नए टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर्स होते हैं, यूएसए से होते हैं, कनाडा से होते हैं, वैली से होते हैं, और वीकली हैंड्स ऑन वर्कटेशन, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करना बताते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं। लीड कोड के सेशंस होते हैं, ठीक है, कोडिंग सेशंस होते हैं। व्हाट इज लीड कोड, ये भी आप लोगों को बाकी सेशंस को या कोर्सेज को लेंगे, अटेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मोस्टली आईएलटीएस और जीआरई के कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं, बट हम जो ये सर्विसेज है वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री आईएलटीएस और जीआरई के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इसकी तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं आईकोड ग्रुप पे आके, और हम पाइथन करवाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज ईजी टू लर्न, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है, मशीन लर्निंग के कोर्सेज करवा रहे होते हैं, ठीक है। डेटा साइंस एंड एल्गोरिदम पे हमारी ग्रिप जो होती है, हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स की ग्रिप इस पे जो है ना वो अच्छी रहे। और हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, और फेसबुक पे ऑफिशियल पेज जो आईकोड गुरु का है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई सेशन मिस कर जाता है तो इन दैट केस वो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। आईकोड गुरु की जो रिसेंट अचीवमेंट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं कि मोर देन 100 इंटरनेशनल अवार्ड्स आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने विन किए हैं इन इंटरनेशनल हैकाथॉन एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, और इसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स भी सिक्योर किए हैं यूएसए में, ठीक है, और जर्मनी में, कनाडा में, ठीक है। आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी सिक्योर किए हैं, ठीक है, लोकल लेवल पे भी किए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। यहाँ पे आप लोगों को दो लिंक्स नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट लिंक इज फॉर आईकोड गुरु रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर करवा सकते हैं खुद को, ठीक है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे इस लिंक को फॉलो करते हुए। मैं चैट में भेज देती हूँ दोनों लिंक्स। और सेकेंड लिंक इज फॉर आईकोड गुरु फेसबुक पेज, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको फॉलो या लाइक वगैरह कर लें तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये सेशन जो है वो लाइव हो गया। अगर इन दैट केस अगर आप मिस कर देते हैं तो यू कैन वॉच लेटर। तो थैंक यू सर सलान, इट्स ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। होपफुली हम आपसे बहुत कुछ लर्न करेंगे इस कोर्स में, तो थैंक यू। जी सर सलान। जी सर, एक मिनट मुझे देंगे सर, इजाजत हो तो। जी जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। या इट इज ऑलवेज ग्रेट टू सी दैट वी आर स्टार्टिंग अनदर कोर्स ऑन अ वेरी लेटेस्ट टॉपिक। तो अगर हम इसी तरह कंसिस्टेंट रहे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हमें टॉप लेवल की सक्सेस ना मिले। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि हम लोग
16 years की एजुकेशन पढ़ते हैं और जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये सोच रहे होते हैं कि यार मुझे आता क्या जो कोई जॉब देगा, और जब ग्रेजुएट करके निकलते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें शायद इतना आइडिया ना हो, लेकिन जो टूवर्ड्स फाइनल सेमेस्टर हैं, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आइडिया हो रहा होगा कि हमें वो स्किल्स नहीं है जिनसे कि हम किसी एम्प्लॉयर को कोई ऐसी चीज बना कर दें जिससे उसे प्रॉफिट हो और वो कुछ हमें भी दे। तो इतने बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन फेल क्यों हो रही है? कोई साथी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेगा? सर मैं दूंगा इसमें, क्योंकि सर इसकी बेसिक वजह यह है, ग्रेजुएट स्किल्स और इंडस्ट्रियल स्किल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो भाई वो इंडस्ट्री की स्किल्स क्यों नहीं आती जबकि हम 16 साल लगाते हैं? पेरेंट्स 16 साल वेट करते रहते हैं, अच्छा अभी पढ़ रहा है, अभी आगे जाएगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं करते, पढ़ाई में बहुत सारे लोग बहुत सारी एफर्ट लगाते हैं। तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या गलतियां कर रहे हैं? सर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जैसे अभी शाम सर ने बताया इंडस्ट्री स्किल्स नहीं देता, और अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही थोड़ा सा ऐसा टच आ जाए कि इंडस्ट्री की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे के हैं वो सिखाई जाए, या कुछ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, या फिर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के साथ वर्क किया जाए, तो वो हमारी एजेंसी ना उसमें फायदेमंद होगा। और अभी जो इस वक्त पर है वो यही है कि हमारे पास इंडस्ट्री का स्किल होता ही नहीं है। इंडस्ट्री में क्या काम होना है, किस तरह से हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, उस चीज़ का बिल्कुल भी बताया नहीं जाता है, बल्कि उसके बजाय सिर्फ और सिर्फ एक किताबी नॉलेज दे दिया जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया जाता है ज़्यादातर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वैसे जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मैं इतना ज्यादा तो नहीं किया, देखें जो भी किया मैंने, ये कि हमारे कैरिकुलम में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा कैरिकुलम है, वेल डिजाइन है, कोई उसमें ये गैप हमें नजर बेशक आता है। बेसिकली यूनिवर्सिटी का मकसद, बेसिक मकसद है आपको बेसिक तालीम देना, यानी कि आपको इस काबिल बनाना, आपको बेसिक दे देना कि आप किसी भी फील्ड में मार ना खाएं। लेकिन जो हमारे पढ़ाने का तरीका है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को जो असाइनमेंट्स देते हैं वो भी ऐसी देते हैं कि बस बच्चे इधर उधर से उठा के हमें वो बस पेस्ट कर दें कहीं ना कहीं से, या रीफ्रेज कर दें। और जो वो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते वो चीज क्या है, वो किस चीज जो हम कर रहे हैं वो क्या चीज है, क्यों है, ये कैसे वर्क करती है, बस टीचर्स को वो उठाते हैं मटेरियल्स और टीचर को देते, और टीचर क्या करते हैं, टीचर भी खुद से नहीं कुछ करते, टीचर भी किसी की स्लाइड उठाते हैं और स्लाइडों को बच्चों के ऊपर आके बस बोल देते हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ, वो भी इतना डेप्थ में आपको नहीं बताते कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे हुआ ऐसे। अगर हमारी यानी कि प्रोग्रामिंग की बात करें कि ये प्रोग्राम रन हुआ तो इसने इस तरह से इसे क्यों कोड किया, इसकी क्या मकसद थे, इसके और क्या पर्सपेक्टिव थे, कैसे हम इसे कोड कर सकते थे, ऐसे कुछ नहीं बताते, कोई भी नहीं। वो आपको एक वेल रिटन कोड होगा, मे बी वो टीचर को भी उसी दिन पता चला हो उस कोड का, ये भी कोई इसमें कोई यानी कि नहीं पता कि उसको टीचर ने भी वो उसी दिन कोड देखा हो, उसने भी वो उसी दिन समझा और बस आके बता दिया हो, और वो भी इतना टीचर स्टूडेंट को वेल डिलीवर नहीं कर पाता कि जितना वो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक, और फिर टीचर के साथ स्टूडेंट की कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, यानी कि क्लास में टीचर ही बोलता है, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। तो इस वजह से स्टूडेंट में जो इतनी 2-3 घंटे का लेक्चर है वो इतनी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में यानी कि ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो उनका दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन को टैकल नहीं करता, वो बस क्लास में क्लास की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं अब पेपर आएंगे तो हम बस एक बार उसे रिपीट कर देंगे, बस पेपर में लिख देंगे। दैट्स सही जी सर।
अच्छा इसमें ये बड़ा हॉट टॉपिक है जिस पे काफी सारे लोग बात करते हैं, तो हमारा जो मकसद है वो है यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और जो जॉब है उसके दरमियान जो गैप है उसे ब्रिज करना। आईकोड गुरु में हम मेनली फोकस इन चीजों पे कर रहे होते हैं। और बेहतरीन तरीका जो इसमें आपको जिसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी वो ये है कि अपने आप को ओवरलोड बिल्कुल ना करें। जितनी आपके अंदर एनर्जी है उतनी क्लास लें, अगर आप थके हुए हैं तो क्लास ना लें। आप कुछ अर्सा तो अपने आप को मजबूर कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लेकिन लंबा अर्सा नहीं कर सकेंगे और आपका जो है आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। अगर आप थके हुए हैं, फ्रेश नहीं है, तो आपको बहुत कम चीजें समझ आएंगे। और दूसरी चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंटली आए, कम से कम कोई एक आधी क्लास लाजमी ले, ताकि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन होती रहे। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू के आपने किसी एक क्लास में कितना फोकस लगा के पढ़ा। और जब आप फोकस लगा रहे हैं तो अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो कम से कम इतना जरूर बता दें कि मुझे समझ नहीं आई, इसमें कोई हेजिटेशन ना करें। फिर ये मॉडरेटर या इंस्ट्रक्टर के ऊपर है कि या तो वो छोटी चीज़ें तो उसी वक्त एक्सप्लेन कर देगा, या हम उसके लिए वीकेंड पे एक एक्स्ट्रा वर्कशॉप भी या एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं। तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे खुल के सवाल करें, पॉजिटिव रहें, एक दूसरे से लर्न करें, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू सक्सेस। जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी इसी तरह डिजाइन किया अल्लाह ने कि ह्यूमन ब्रेन मोस्टली क्वेश्चनिंग से और क्यूरियोसिटी से सीखता है। और चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम बात ही उर्दू में करते हैं तो इसलिए कोई वजह नहीं है कि समझना ही। और अगर इंस्ट्रक्टर कोई इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज करता है तो प्लीज पूछें कि जी पहले ये जो इंग्लिश का ये जो वर्ड है इसका मतलब समझा दें, क्योंकि उससे काफी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं। तो मैंने बस यही एक दो बातें करनी थी। अगर किसी और कोई कमेंट है तो या कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, अदरवाइज हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं सर, थैंक यू सर। किसी और को कमेंट? तो चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आने का इस क्लास में। और इस क्लास में कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, सीखें, और क्लास के अंदर क्वेश्चन करें, सिलेक्ट पे क्वेश्चन करें, एंड लेट अस हेल्प ईच अदर टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। चलें जी ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर। जी सर, सान आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है, आई एम एक्सपेक्टिंग। जी ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स, हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद पाइथन एट आईकोड गुरु। सो सबसे पहले अगर देखें तो मशीन लर्निंग अगर आपको इस टर्मिनोलॉजी से क्या समझ आएगी कि क्या चीज है, अगर कोई इसमें ऐड करना चाहे कोई स्टूडेंट। ओके, सो मशीन लर्निंग में इसके हम अपनी मशीन को लर्न करवाते हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह बिहेव कर सके। सो इट इज द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली। So in machine learning, we actually give the data to the algorithm, the computer algorithm or machine, and machine उस given data के ऊपर learn करती है, उसके अंदर जो pattern find करती है, उन सब patterns को learn करती है, and then वो एक unknown data, जब हम उसको एक new data feed कराएंगे, तो वो उसके ऊपर predict करेगी।
ठीक है, बेस्ड अपॉन हिज लर्निंग, जो मशीन ने उस जो नॉन डेटा जो हमने उसको पहले डेटा जिस पर उसको ट्रेन कराया उसके ऊपर जो उसने लर्न किया। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, ये सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी 1959 में बाय सर आर्थर सैमुअल। उन्होंने कहा मशीन लर्निंग एनेबल्स ए मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डेटा, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड प्रिडिक्ट थिंग्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मशीन लर्निंग के अंदर हम उस चीज़ को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, हमने जस्ट उसको वन टाइम कोड किया, उसको वन टाइम प्रोग्राम किया, उसको डेटा दे दिया एंड देन वो उस सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के ऊपर अगेन अगेन अपने आप को रीट्रेन करते रहेगी ऑटोमेटिकली और फिर चीज़ों को प्रिडिक्ट करेगी। इसमें एक चीज़ ये भी यूज़ की जाती है कि अगर आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बना दिया, एक आपका सिस्टम मशीन लर्निंग कैपेबल सिस्टम बना दिया और उसका आप जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा, वो जितना ज़्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन होगा उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड होती है कि वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो अगर इसको थोड़ा ब्रीफली देखें तो मशीन लर्निंग इज द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने बताया वो किस चीज़ से कंसर्न कर रही है, वो किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है, एक ऐसे एल्गोरिदम के ऊपर जिसके पास लर्निंग कैपेबिलिटी हो, वो उस चीज़ को लर्न कर सके बेस्ड ऑन पास्ट डेटा और फिर प्रिडिक्ट करे एक न्यू डेटा पे जो उसके लिए अननोन डेटा है, बाय इमिटेटिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन लर्निंग, जिस तरह हम ह्यूमन लर्न कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। एक छोटा मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी किस तरह लर्न कर रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो चीज़ों को ले रहा है, फीड उसको डेटा फीड किया जा रहा है और आफ्टर डैट वो उसको एनालाइज कर रहा है एंड देन वो बोलना सीख रहा है या कोई भी लैंग्वेज बोलना सीख रहा है वो, बिकॉज क्योंकि वो उस गिवन इन्वायरमेंट में उसको एक गिवन डेटा फीड किया गया और उसकी बेस पर वो आप चीज़ों को लर्न करके प्रिडिक्ट कर रहा है, जो उसके मतलब जो उसके थाट्स हैं वो उनको शेयर कर रहा है। यहाँ तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबको क्लियर है, एम आई आर डी ओके। सो अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी आप मुझे वहीं पे स्टॉप करके उसको क्लियर करेंगे, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। उसके बाद हम अब देखते हैं मशीन लर्निंग या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से किस तरह डिफरेंट है। सो जैसे कि आपको एनिमेशन दिखाई दे रही है, ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं हम उसको डेटा देते हैं और रूल्स देते हैं या हम उसको प्रोग्राम करते हैं, वो फिर हम कंप्यूटर को देते हैं और वो हमें एक गिवन आउटपुट देता है। लेट्स से हम उसको बता देंगे कि 2 + 2 = 4, मीन्स अब हमने उसको डेटा दे दिया विच इज़ 2 एंड प्लस इज द प्रोग्राम द आर द रूल्स कि उसको सम करना है उसने और फिर वो हमें आउटपुट दे देगा विच इज़ द 4। ओके सो अगर मशीन लर्निंग कैपेबल सिस्टम है, मशीन लर्निंग के अंदर क्या होगा, मशीन लर्निंग के अंदर हम इससे थोड़ा सा डिफरेंटली इसको वाइस वर्सा लेंगे। इसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर हम उसको डेटा देंगे विच इज द 2, हम उसको आउटपुट दे देंगे पहले से ही, हम उसको फीड कर देंगे आउटपुट विच इज द 4 एंड जो उसके रूल्स है वो सिस्टम वो एल्गोरिदम उसको लर्न करके खुद ही डिफाइन कर लेगा, आइदर इट इज द सम आइदर इट इज द सब्ट्रैक्शन। मीन्स हम उसको बता देते हैं हमें आउटपुट चाहिए 4 और आपके पास डेटा 2, वो उसके रूल्स खुद डिफाइन कर लेगा कि उसको 2 + 2 करके 4 लेके आना है। और अगर हम उसको डेटा देते थे आपके पास डेटा 2 और 6 और मुझे आउटपुट चाहिए 4, तो उसको खुद ही डिफाइन कर लेगा कि 6 - 2 करके उसको 4 लेकर आना है। सो इन दिस वे मशीन लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। ओके अब एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीजें होंगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या एप्लीकेशन आपकी डेली लाइफ में है, अगर आप लोग अगर कंट्रीब्यूट करें इसमें। फेस डिटेक्शन इन आवर स्मार्टफोन्स कैमरा, फेस डिटेक्शन बिल्कुल। अगर फेस डिटेक्शन की हम एप्लीकेशन देखें फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स की, तो वो किन एप्स में सबसे ज्यादा हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, फेसबुक टैग करता है फेसबुक, उधर वो आपका फेस डिटेक्शन यूज करता है, फेस रिकॉग्निशन मॉड्यूल यूज हो रहा है जी, आपके मोबाइल लॉकिंग मतलब जो आपका स्क्रीन फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होता है लॉक अनलॉक करने के लिए, उधर आपका भी यूज हो, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हेलो प्रोग्राम बिल्कुल उधर यूज हो, और कोई एप्लीकेशन फेस रिकॉग्निशन के अलावा कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहे, इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। वेदर फॉरकास्टिंग भी इसी में नहीं आएगा,
वेदर फॉरकास्टिंग बिल्कुल, हमारे फिटबिट सिस्टम्स, ये जो हेल्थ के फिटबिट सिस्टम होते हैं जो आपकी स्लीप को ट्रैक कर रहे हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपका उस दिन मूड किस तरह का है। रिकमेंडेशन सिस्टम, यूट्यूब के ऊपर हम एक वीडियो देखते हैं और हमें फिर उसके सिमिलर वीडियोस हमें उसके सजेशंस में आ रहे होते हैं, या नेटफ्लिक्स के ऊपर रिकमेंडेशन सिस्टम्स, दिस इज आल्सो स्पैम फिल्टर भी, स्पैम फिल्टर बिल्कुल, स्पैम मेल है यानी। अब अगर इस चीज को अगर हम देखें तो इसमें एक है कि आर्टिफिशियल जो है वो मशीन लर्निंग की सुपर फील्ड है, सुपर सेट है। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट कंपल्सरी कि वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होगा, बट एवरी मशीन लर्निंग इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम इस नेक्स्ट देखते हैं, सो सबसे पहले हमारे पास एक ब्रॉडर फील्ड आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली उसको इमिटेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर एक डीप डाइव करते हैं, तो हम एक मशीन लर्निंग जिसमें हम अपनी मशीन को कैपेबल कर रहे हैं कि वो थिंक, इट शुड थिंक लाइक ह्यूमन। और उसके बाद मशीन लर्निंग के आगे आगे अगर हम डीप डाइव करें तो है डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक सिंपल डिफरेंस ये भी है कि मशीन लर्निंग के अंदर हम डेटा जो ट्रेनिंग डेटा उसको एक्सप्लिसिटली लेबल करके देते हैं, बट डीप लर्निंग में हम उसको अनलेबल डेटा दे देते हैं और रूल्स उसको बता देते हैं और वो उन डेटा के ऊपर सिर्फ खुद पैटर्न्स फाइंड करता है एज वेल, और उसके आगे फिर वो उन सिस्टम्स के ऊपर वो कैपेबल होता है और चीजों को प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर अब मैं इसकी टाइप, अच्छा, सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्या ये मशीन लर्निंग के थ्रू हो सकता है नहीं हो सकता? सर उसमें हम अब देखें, अभी उस चीज पे देख रहे हैं, पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आ रही है। लाइक लेट्स से अगर हमें एक चीज को क्लासिफाई करना है तो क्लासिफिकेशन तो प्रॉब्लम होगी, मतलब दो चीजों में अगर हमें क्लासिफाई करना है तो वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम है। फिर हम उसके क्लासिफिकेशन उसके मतलब डेटा को रीड करेंगे कि डेटा हमारा किस टाइप का है, उसके मुताबिक भी हम उसके लिए जो मॉडल चूज करेंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर से क्लासिफिकेशन का मॉडल, जो कि डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर नेव बेस्ड क्लासिफायर या फिर हमारे पास और भी इस तरह के काफी क्लासिफायर्स हैं, उन क्लासिफायर्स को हम चूज करके फिर उसके ऊपर हम उस डेटा को इनसाइट्स लेके उसके ऊपर हम उसको ट्रेन करेंगे एंड देन हम उसको अपने डिप्लॉयमेंट पे प्रिडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल कर रहा हूँ। जी जी सर, कि मैंने कोई मसला प्रॉब्लम सॉल्व करना है जी जी तो, और मशीन लर्निंग के थ्रू करने के लिए क्या चीज प्रीरिक्विजिट है? सर मैं आपका क्वेश्चन सही से अब्सॉर्ब नहीं कर पाया, मींस आप मशीन लर्निंग के प्रीरिक्स पूछ रहे हैं या प्रॉब्लम के प्रीरिक्स पूछ रहे हैं? कौन से प्रॉब्लम्स के लिए एआई या मशीन लर्निंग यूज की जा सकती है? चलिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। जी सर, कि क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा, देखें एआई क्या चीज है, एआई ये चीज है कि एआई उसी तरह सोचते है जिस तरह ह्यूमन सोचता है जनरली। जी जी ठीक है, क्या कोई ऐसी साइंस की डोमेन है जिसमें एआई यूज नहीं हो सकती? यानी कि अगर मैं जनरली सोचूं तो मेरे ख्याल में तो जो जो काम ह्यूमन करता है वो मशीन को भी कर लेना चाहिए। जी सर बिल्कुल सर, टू माय बेस्ट नॉलेज के तकरीबन हर जगह भी एआई की इंप्लीमेंटेशन है इन नियरली इन एवरी फील्ड। बिल्कुल, आपका जवाब नियरली करेक्ट है। तो कोई साथी जो बताना चाहे कौन सा फील्ड है जहां पे एआई यूज नहीं हो सकती? अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एआई उस जगह यूज होती है जहां पे आपके पास बहुत सारा डाटा हो। जी सर, ये इसका प्री रहता है, हमारे पास डाटा मस्ट। तो अगर किसी प्रॉब्लम में आपके पास पहले से डाटा अवेलेबल नहीं है ना, तो आप एआई नहीं लगा सकते। जी सर, मसलन मार्स पे जाने के लिए सबसे जबरदस्त रास्ता कौन सा है? क्या इस पे एआई लग सकती है?
डायरेक्टली इस प्रॉब्लम पे नहीं लग सकती हमारे पास इनफ डाटा नहीं। अच्छा दूसरी एक चीज कि डाटा पर ही रिक्वायरमेंट है, जहां पे डाटा हो और स्पेशली बहुत ज्यादा डाटा हो तो देन एआई उस डाटा से ट्रेन हो जाती है, अगर डाटा नहीं है तो प्रॉब्लम है। दूसरी जो चीज है, अगर आपके पास डाटा हो भी सही तो किसी ऐसे साइंस की उन डोमेन में एआई यूज नहीं हो सकती जहां पे रैंडमनेस होती है, या रैंडमनेस बहुत जरूरी है। एआई उस चीज पे लगेगी ना, डाटा है और डाटा में कोई स्ट्रक्चर है जो के कोई पैटर्न डाटा के अंदर जो एआई ढूंढ लेगी। लेकिन अगर कोई एल्गोरिथम बेस ही रैंडमनेस पे कर रहा है तो फिर एआई यूज नहीं होगी। और साइंस की उस डोमेन का नाम क्या है, कोई साथी बताएगा? साइंस की उस डोमेन का नाम है क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन, सिक्योरिटी, पासवर्ड, इन सब में रैंडमनेस बहुत जरूरी है। ये डिपेंड ही रैंडमनेस के ऊपर करते हैं। तो एआई इस इन चीजों में एआई नहीं लगेगी। तो हर वो चीज जो कि बेसिकली रैंडमनेस के ऊपर या जिसमें स्ट्रक्चर हम नहीं चाहते क्योंकि वो सीक्रेट चीज है, तो उसमें एआई नहीं लगेगी। डज इट मेक सेंस? Yes, sir. हाँ, तो ये चीज आपको किताबों में नहीं मिलेगी तो मैंने सोचा कि मैं इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जनरली अगर कोई पूछे तो जेन में ही आता कि भी एआई तो हर जगह लग सकती है। तो चलें सर, अरसलान आप बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू करें। ओके, सो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ब्रॉडली थ्री टाइप्स में डिवाइड है। जो सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हम एक्चुअली कोई टास्क ड्रिवन काम करेंगे, कोई न्यू नेक्स्ट वैल्यू को या जिसमें कोई कंटिन्यूस काम वैल्यूज हैं उनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कोई हमारे पास कोई कंटिन्यूस पैटर्न है। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम जो मशीन को फीड कर रहे हैं, एक्चुअली हम लेबल डेटा फीड कर रहे हैं। उस डेटा के अंदर एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है वो भी हम उसको फीड कर रहे हैं फर्स्ट, एंड देन हमारा जो लेबल है उसके अंदर जो फीचर्स होंगे, एक्चुअली फीचर्स एंड लेबल दोनों को हम उसको फीड करते हैं, एंड देन हम उसको एक अननोन फीचर्स देते हैं, उस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एग्जैक्ट जो हमें हमारी डिजायर्ड लेबल होगी वो हमें प्रोवाइड करेगी मशीन बाय लर्निंग जो हमारा गिवन ट्रेनिंग सेट होगा उसके ऊपर। देन जो सेकेंड टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग, ये एक्चुअली डेटा ड्रिवन होती है। इसमें ज्यादातर हम यूज करते हैं जो क्लस्टरिंग, लाइक अगर कोई मार्केट है, कोई बिजनेस ऑनर है और उसको अपने कस्टमर्स की क्लस्टरिंग के कौन से कस्टमर किन चीजों के अंदर उसको वो किन क्लस्टर्स के अंदर उनको डिवाइड करे बेस्ड ऑन देयर इनकम, देयर एज, देयर डेमोग्राफी, तो उसमें हम ये उसका एक ये यूज केस है, उसमें हम अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज कर सकते हैं। और इसमें हम जो डेटा दे रहे हैं उसको हम अनलेबल्ड डेटा दे रहे हैं, उसके उस डेटा को हमने लेबल नहीं किया हुआ। एंड देन जो हमारे पास जो थर्ड टाइप है विच इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सेम है जो रिवार्ड और पनिशमेंट, जो एक रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट है रिवार्ड एंड पनिशमेंट की तरह ये सीखती है। इसमें हम जो अपने हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो फर्स्ट एक इटरेशन लगाएगा, वो एक लर्न करता है एंड देन वो देखता है कि अपने उसको कंपेयर करेगा एंड अगर उसकी वो प्रिडिक्शन ठीक है वो अपने आपको एक रिवार्ड देता है, वो उस पर कॉन्फिडेंस गेन करता है। अगर उसकी वो रॉन्ग है तो वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लूज करता है एंड देन वो अगेन उसको लर्न करेगा। सो इन दिस वे द रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है ये हमारे हम यूज कर रहे हैं। अगर ये तीनों मेजर ब्रांचेस जो अगर ये क्लियर हैं तो हम आगे मूव करते हैं, इनको ब्रीफली देखते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। नो क्वेश्चन टिल येट? ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो जैसे मैंने बताया सुपरवाइज लर्निंग हम लेबल डेटा को फीड करते हैं एल्गोरिथम के ऊपर, उस लेबल डेटा के अंदर एक्चुअल आउटपुट भी गिवन होती है एंड हमारे जो इनपुट फीचर या इनपुट वेरिएबल्स जिनको हम फीचर्स कहते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट फीचर वो जो एल्गोरिथम वो पैटर्न्स फाइंड करता है एंड देन वो आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है। तो अगर इसकी हम एक डेफिनेशन देखें, इन सुपरवाइज लर्निंग वी फीड लेबल डेटा टू एल्गोरिथम फ्रॉम विच द एल्गोरिथम लर्न्स एंड प्रिडिक्ट द न्यू आउटकम्स। अब जो न्यू आउटकम्स वो प्रिडिक्ट करेगा वो उसके लिए अनसीन डेटा होगा, वो उसने पहले नहीं उसको देखा होगा, उस पर वो ट्रेनिंग डेटा हो सकता है या कोई यूजर रॉ डेटा हो सकता है जो यूजर की तरफ से जा रहा है।
ठीक है, उसके ऊपर वो हमें गिवन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर इसकी एक एग्जांपल लाइक आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने उसको स्पैम फिल्टरिंग इज द एग्जांपल, उसके पास पहले मैंने उसको एक ट्रेनिंग सेट दिया जिसके अंदर कुछ ईमेल्स हैं जो कि स्पैम हैं और कुछ ईमेल्स हैं जो स्पैम नहीं है, और फिर मैंने उसको एक न्यू ईमेल दिया जो कि उसको नहीं पता कि ये स्पैम है या नहीं, और वो उसको किस तरह फाइंड करेगा, वो उसमें कुछ वर्ड्स देखेगा, वो उनको मतलब उससे लर्न करेगा जो उसने ट्रेनिंग सेट में, कि ये अगर वर्ड्स आते हैं तो ये ईमेल स्पैम हो सकती है, और अगर वो उस न्यू ईमेल के अंदर अगर वो गिवन वर्ड्स या गिवन जो जो प्रोनाउंसिएशन या वो चीज़ें यूज हुई हुई हैं तो फिर वो उसको स्पैम फोल्डर में भेज देगा, अगर वो नहीं है तो वो उसको स्पैम फोल्डर में नहीं भेजेगा। अब इसमें या तो वो स्पैम है या वो स्पैम नहीं है, सो हम इसमें क्लासीफाई कर रहे हैं। सो अगर स्पैम फिल्टरिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम। इससे नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग देखें तो इसकी मेनली टू टाइप्स, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज द रिग्रेशन। सो क्लासिफिकेशन आइदर वो एक चीज सेट ए में होगी आइदर वो सेट बी में होगी, इस तरह उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं, वेयर एज रिग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस होती है, मीन्स वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लाइक अगर हाउस प्राइस है किसी हमें एक किसी एरिया में देखना है कि उसके अंदर उस एरिया में जो हाउस प्राइसिंग है वो इंक्रीज होंगी इन वेरिएबल्स के ऊपर, लाइक अगर उधर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उधर हमारे पास फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अगेंस्ट के इन अगर ये इनमें इन जो फैसिलिटीज हैं उनमें इतना इंप्रूव आता है तो हाउस प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, या अगर कोई उधर डिजास्टर आता है तो उससे हाउस प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो वो दिस इज द रिग्रेशन प्रॉब्लम। फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम की टू टाइप्स है, सिंपल रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो नेक्स्ट अगर इसको हम देखें तो अब एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अगर हमने पहले देखी है एआई की एप्लीकेशन, अगर आप मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन देखें तो वो किन किन फील्ड्स में है, लाइक सर ने भी एक्सप्लेन किया, इसके लिए हमें डेटा तो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें कुछ कुछ सेक्टर शो किए जा रहे हैं, अगर इनमें हम देखें तो इनमें क्या कुछ एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग, जो मशीन लर्निंग जिन पर वर्क कर रही है, जो अप्लाइड है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके अंदर मशीन लर्निंग क्या किस तरह इंप्लीमेंटेड है। मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह होगी कि हम एआई का मॉडल ट्रेन करके ये प्रेडिक्शन कर लेंगे कि हमारे नेक्स्ट ईयर की जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स की तादाद है ना वो कितनी है, यानी इस साल अगर 2500 सेल हुई हैं प्रोडक्ट तो नेक्स्ट साल की वो प्रोडिक्ट करके बता देगा कि आपको इतनी चाहिए होंगी। क्या मैन्युफैक्चरिंग में हम इस तरह कर सकते हैं कि लाइक जो काम है, लाइक अभी गाड़ियाँ जो बन रही हैं हमारे पास वो ज़्यादातर रोबोटिक्स आर्म्स या रोबोट्स उनको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो ट्रेंड हैं, उनको एक गिवन मतलब चीज़ें उनको सिखा दी गई हैं और वो सेम काम को करके वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या इसको हम मैन्युफैक्चरिंग में ले लें। हाँ, ले सकते हैं, राइट। सो अगर हेल्थ केयर में अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह मीन्स हमने एक मॉडल को ट्रेन कर दिया कि उसको ढेर सारी इमेजेस हमने उसको फीड कर दी कि अगर उसको ये पैटर्न्स नजर आए, लाइक अगर हमें लाइक हार्ट डिजीज के ऊपर, तो वो आदमी या तो उस हार्ट पेशेंट होगा, अगर उसको ये पैटर्न्स नजर नहीं आ रहे तो फिर वो हार्ट पेशेंट नहीं होगा, उसको कोई हार्ट की कार्डिक किसी तरह की डिजीज नहीं है। तो इस तरह हम हेल्थ केयर में इसकी ये जस्ट एक एग्जाम्पल, और बहुत सी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हेल्थ केयर के अंदर अवेलेबल है, और अभी हेल्थ केयर के अंदर अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आपको विद इन नो टाइम आप कह सकते हो आपको फंडिंग भी मिल जाएगी अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी बहुत हॉट टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। देन अगर आगे चलें कस्टमर सर्विसेज, इसमें हम एआई को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहे। कस्टमर सर्विसेज में हम बॉट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो बॉट एक ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है, बॉट हमें हमारे गिवन टू ए सर्टेन लिमिट वो हमें आंसर कर रहा है हमारे क्वेश्चंस का, जो हम कस्टमर फीडबैक कर रहे होते हैं या हम किसी चीज कोई कंप्लेन करते हैं, तो लाइक अगर हम किसी हेल्पलाइन पे भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें एक वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट रन होती है जो हमें एक वो वॉइस हमें सुनाई दे रही होती है, और फिर वो उसमें अगर ऑप्शन आता है कि अगर आपको पर्सन से बात करनी है तो डायल दिस एंड
अगर आपको इन इन सर्विसेज को यूज करना है देन डायल दिस, तो हम उधर भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। ई कॉमर्स सर आईफोन में सीरीज बेस्ट एग्जांपल आई थिंक, वो पर्सनल असिस्टेंट की एग्जांपल है, वो कस्टमर सर्विसेज की एग्जांपल नहीं होगी। जो सीरी है वो आपका एक्चुअली गूगल असिस्टेंट या सीरी होगा या अलेक्सा होगा, वो होम असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट उस एग्जांपल में आता। मैं बात करने वाला था कि ई कॉमर्स लाइक अब अमेज़न है, अगर आप अमेज़न या द्राज या ये जितनी वेबसाइट्स हैं अगर इनको हम देखते हैं, तो वो हमें चीज़ों को जो सिमिलर चीज़ें हमारे वो पहले लर्न करते हैं पैटर्न कि हम किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर वो उन सिमिलर चीज़ों को हमें रिकमेंड करते हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम इन अ स्पेसिफिक सीजन। लाइक अगर कुछ लोग जो उनके मेजर सेल इवेंट्स होते हैं उस पर ज़्यादा चीज़ें बाय कर रहे होते हैं, वो उनकी उनको फिर उसी तरह की वो चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम ये बाय किया था और देन आप शायद इसमें इंटरेस्टेड हो, आप इसको बाय करना चाहोगे। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल में लाइक सबसे मतलब इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है टेस्ला, मींस टेस्ला जो एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो उसको एक डेटा उसको फीड किया गया एंड देन उसको पता चल जाता है अभी लेन टर्न हो रही है और इट्स द रेड लाइट, उसको रुकना है यहाँ पे, स्टॉप साइन है उसको रुकना है, या ग्रीन लाइट उसको मूव करना है, या सामने कोई से पेडेस्ट्रियन गुजर रहा है तो उसको उसको हिट नहीं करना और उसको स्टॉप करना है या अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है। अच्छा इंश्योरेंस के अंदर इसकी अगर कोई एग्जांपल देखें तो क्या होगा, कोई अगर वेरी बेसिक एग्जांपल इसकी, क्या उसमें रिकमेंडेशन सिस्टम हो सकता है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को रिकमेंड करे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, उसको लर्न करके एक पैटर्न को, आई थिंक सो हो सकता है। तो अब इसके आगे देखें तो हमारा एक ML लाइफ साइकिल मतलब ML प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या हो गया, स्टेप्स क्या हैं। सो सबसे पहला स्टेप जो है कोई भी ML प्रोजेक्ट हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप होता है गैदरिंग द डेटा, हमारे पास डेटा होना चाहिए। वंस वी गेट द डेटा हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस दिस इज द टर्म इसको यूज करते हैं, हम उस डेटा से एक्चुअली इनसाइट्स ले लेते हैं कि वो डेटा इट्स वट इट्स डेटा इज ऑल अबाउट, उसके अंदर मतलब है क्या, एक्चुअली वो क्या फीचर्स दे रहा है, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है, हम उस डेटा को एक बार से स्टडी करते हैं। देन हम उस डेटा को प्रिपेयर करते हैं फॉर अवर मॉडल डेवलपमेंट, हम उसमें ताकि मॉडल चूज कर सकें और फिर उस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकें। उस डेटा प्रिपरेशन स्टेज में अगर उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज है हम उनको हैंडल कर रहे होंगे, कोई रिपीटेड वैल्यूज है हम उनको हैंडल कर रहे होंगे, और डेटा को रेडी करते हैं देन उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके दो सेट बना लेंगे, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग सेट पर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे आफ्टर सेलेक्टिंग द मॉडल, एंड टेस्टिंग सेट के ऊपर हम उस मॉडल को वैल्यूएट करेंगे। आफ्टर दैट हम अपने मॉडल को ट्यून करते हैं, अगर उसकी एक्यूरेसी लो है हम उसको देखेंगे कि किन पैरामीटर्स की को चेंज करने से हमारे मॉडल की एक्यूरेसी हाई हो सकती है। वंस ऑल इज डन सो हम उस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल जो ले मैन एक शॉपकीपर होगा अगर लेट से, तो उसको अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल नहीं दे सकते हम उसको, हमें उसे कोई ऐप देनी है, कोई इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस देना जिससे वो इंटरेक्ट करे और उस चीज को यूज कर सके, वो डायरेक्टली कंसोल बेस या डायरेक्टली कोड जो कोड के अंदर वो फीड नहीं कर सकता चीजों को और अपने डिजायर्ड आउटकम्स उसको ऑब्टेन नहीं कर सकता, इसके लिए उसको कोई एक इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड है, राइट। सो अब इनको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। अब गैदरिंग डेटा मीन्स हर ML प्रॉब्लम को डेटा रिक्वायर्ड है, विदाउट डेटा कोई ML प्रॉब्लम वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद हम जो ML प्रॉब्लम है वो लर्न करती है गिवन डेटा पे जो हम उसको इनपुट फीड कर रहे हैं, और फिर प्रिडिक्ट करती है एक अनसीन अननोन डेटा जो उसने पहले नहीं देखा हुआ, ठीक है। उसके बाद ML प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो हम डेटा ले रहे हैं वो रिलायबल हो, और अगर वो रिलायबल नहीं होगा उसमें बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं, उसमें कोई इस तरह की बायसनेस है, तो वो हमारी आउटकम्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होगी। हमें ये देखना है कि जो डेटा वो अनबायस्ड हो, उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ज्यादा मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ताकि वो मॉडल एक प्रॉपरली उन चीजों फीचर्स के ऊपर लर्न करके हमारे लेबल्स को प्रिडिक्ट कर सके, ओके। एंड देन हम देखते हैं कि उस डेटा के अंदर कोई रिपीटेड वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए। लेट्स से अगर 1000 रोज हैं हमारे पास, 1000 इनपुट्स हैं और उनमें 500 अगर रिपीटेड है, तो एक्चुअली हम मॉडल को 501 ही फीड कर रहे हैं,
उन्हीं के बेस के ऊपर वो आ रही है, अभी 1000 के ऊपर वो लर्न नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी तो रिपीटेड है, वो सेम सेम आपको आउटपुट वहां पे दे रही होंगी। एंड व्हाट इज ईडीए? सो आफ्टर गेटिंग द डेटा, बिफोर डूइंग एनीथिंग, हम उस डेटा को देखते हैं कि उसके वो डेटा क्या कह रहा है, मतलब बट इट्स डेटा ऑल अबाउट उस, वो एक्चुअली डेटा है किस चीज़ का, उसके अंदर क्या फीचर है, उसके अंदर उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका मीन हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें मीन वैल्यूज क्या है, कितनी वैल्यूज इस सर्टेन वैल्यू से हाई है या लो है, जिसको हम मीडियन मतलब 50% वैल्यूज अगर ये है, ये सब चीज़ें उसको फिर हम विजुअलाइज कर सकते हैं और फिर उन चीज़ों को हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। आफ्टर दैट हम उस डेटा को प्रिपेयर करेंगे, हम सबसे पहले वो डेटा अगर डिफरेंट सेट्स के अंदर अवेलेबल, हम उसको इकट्ठा करेंगे, उसको रैंडमाइज करेंगे, उसके बाद हम उस डेटा को क्लीन करेंगे, अगर कोई अनवांटेड डेटा, अगर कोई उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें वो फीचर्स मॉडल को ट्रेन करने के लिए देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग के लिए, उन फीचर्स को हम ड्रॉप कर देंगे और जो एक्चुअल फीचर हैं जो कि उस जो आउटकम के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड हैं, हम सिर्फ वही उसको फीड करेंगे और उस पर मॉडल फिर ट्रेनिंग देगा। इसके अंदर एक टेक्निक यूज होती है लाइक फीचर सिलेक्शन एंड फीचर इंजीनियरिंग, वो सब डेटा प्रिपरेशन और डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आती है, वो उसके अंदर काम करें, लेटर ऑन हम इसको देखेंगे भी अपने इस कोर्स में। उसके बाद हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को हम समझें, एक यूजर उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ ले, एंड देन वो उसको स्प्लिट करेगा अपने क्लीन डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे, ट्रेनिंग पे अपने मॉडल को अप्लाई करके ट्रेन करेगा, एंड देन टेस्टिंग सेट के ऊपर वो उसको मॉडल को इवेल्यूएट कर रहा होगा। आफ्टर दैट इज द स्टेज ऑफ मॉडल डेवलपमेंट, सबसे पहले हमें मॉडल चूज करना, लाइक अगर मैंने पहले बात की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी है या अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हमें देखना है कि हमें कौन सी मॉडल, कौन सा रिग्रेशन एल्गोरिदम हमें यूज करना है, इज इट लीनियर रिग्रेशन, इज इट स्पोर्ट फैक्टर मशीन। ओके, आफ्टर चूजिंग द मॉडल जो हमारी प्रॉब्लम के रिलेटेड हो, हमें ये फाइंड करना है कि मॉडल जो है वो कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल डेटा के लिए सूटेबल भी है या नहीं, लाइक मशीन जो है वो लर्न कर रही है 0 और 1 की फॉर्म में, अगर हम उसको कैटेगरीज हैं तो हमें उसको भी कन्वर्ट करना है टू द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, ठीक है, अगर वो मॉडल उसके लिए सूटेबल नहीं है, ताकि मॉडल उसको लर्न कर सके, उसको उसमें प्रॉब्लम नहीं हो। आफ्टर दैट हम अपने मॉडल जो ट्रेनिंग करेंगे अपने मॉडल की, जो हमें ताकि वो उसमें से जो पैटर्न्स हैं फाइंड कर सके और प्रिडिक्ट कर सके एक आउटकम को। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी इवैल्यूएशन ऑफ द मॉडल, जब हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया, हमारा डेटा क्लीन था, हमने उसको डेटा के साथ प्रिपेयर करके मॉडल चूज करके उसको ट्रेन कर दिया, अब हमें उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है कि मॉडल एक्चुअली वही आउटकम प्रोवाइड भी कर रहा है जो हमें डिजायर्ड है या नहीं। उसके लिए हम एक उसको अनसीन डेटा देंगे, अननोन डेटा देंगे, जो कि हम टेस्टिंग सेट में लेके आएंगे, और फिर हम अपने मॉडल को वैल्यूएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करेंगे। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के लिए सर्टेन टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसमें से कुछ हैं एक्यूरेसी स्कोर, जिसमें हम उसकी एक्यूरेसी निकालेंगे बेस्ड अपॉन द फार्मूला जो आपने उसको टोटल आउटकम्स आपने को रिसीव हुई नंबर और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जिसमें आप एक्चुअल प्रिडिक्टेड, एक्चुअल फॉल्स, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव के ऊपर आप एक मैट्रिक्स डिजाइन कर देते हो, और फिर उसमें आप उसकी मॉडल की परफॉर्मेंस देख लो, जितना वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेटर विजुअलाइज हो रहा है, उतना वो जो मॉडल आपका वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक्यूरेसी स्कोर इज बिटवीन 1 to 100% होता है, जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना मॉडल आपका ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा अच्छा उसकी वैल्यूएशन हो रही है। F1 स्कोर एंड प्रिसीजन, सेम ये दो टेक्निक्स भी इस तरह यूज होती है, और भी काफ़ी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। वंस आप मॉडल को वैल्यूएट कर लो, देन नेक्स्ट स्टेज इज द मॉडल ट्यूनिंग। अगर आपकी एक्यूरेसी आपके डिजायर्ड आउटकम के इक्वल नहीं आई, लेट से अगर मॉडल की एक्यूरेसी बहुत कम है, लेट से 35% 40%, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके डेटा की ऊपर कि आप उसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट आप 80% रिसीव करोगे आउटकम को, तो फिर आप उसमें देखो कि आपने ऐसे कौन से वेरिएबल्स उसमें फीड किए, आपने उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि रिलेटेड नहीं है और जो आपकी एक्यूरेसी को डाउन कर रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग या मॉडल ट्यूनिंग। सो हम उन पैरामीटर्स को वैल्यूएट करेंगे जो कि मतलब जो कि रिक्वायर्ड नहीं है या जो कि हमारी एक्यूरेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उनको हम इलिमिनेट करेंगे या चेंज करेंगे, और उससे हम फिर अपने मॉडल की एक्यूरेसी को हाई करेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आएगी वो आएगी मॉडल डिप्लॉयमेंट। हम उस मॉडल को डिप्लॉय करेंगे या उसको फिर किसी API में कंज्यूम करेंगे या किसी ऐप में कंज्यूम करेंगे, एंड देन हम उसको अवेलेबल करेंगे जनरल पब्लिक बाय होस्टिंग ऑन सम क्लाउड सर्विसेज, ताकि वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक्सेसिबल हो।
टिली एट, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि हाउ मच डेटा वी नीड। सो एक इसमें भी चीज है कि आप इस तरह के कोई इस तरह का आपके पास नंबर नहीं है कि आपके पास इतना ही डेटा होना चाहिए। हर जितना ज्यादा डेटा होगा उससे उतनी ज्यादा आप बेटर प्रिडिक्शन कर सकते हो। बट उसमें भी एक चीज आती है आपके मॉडल की अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, आपको वो भी देखनी है कि आपका मॉडल ज्यादा ओवर फिट ना हो जाए या आपका मॉडल अंडर फिट ना रह जाए। आपके पास डेटा बहुत कम हो, आपका मॉडल प्रॉपरली लर्न ही ना कर सके, या आपका मॉडल ओवर फिट हो जाए, मीन्स आपके पास इतना ज्यादा डेटा आपने उसको फीड कर दिया, वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया, किसी एक चीज पर बायस हो गया। गेटिंग इट? ओके, आफ्टर दैट आज के सेशन में मैं आउटलाइन शेयर कर देता हूँ, जो ये इसका मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। वीक वन में हम देखेंगे, अभी तक हमने देख लिया AI वर्सेस ML, हमने देख लिया अभी एनाकोंडा को हम इंस्टॉल करके देखेंगे, मशीन लर्निंग को हमने डिफाइन कर लिया, इसका लाइफ साइकिल देख लिया। आफ्टर दैट हम कल के सेक्शन में आई एम एक्सपेक्टिंग सबको पाइथन आती है तो एक रिव्यू कर लेंगे, जस्ट पाइथन को रिवाइज कर लेंगे। मैं भी यही शेयर कर रहा हूँ आउटलाइन में। देन हम इस पर सुपरवाइज लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। आफ्टर रिव्यूइंग पाइथन हम सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि वो वर्क कैसे करती है, उसके एल्गोरिथम्स क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देन हम उसका एक रिग्रेशन टाइप के रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना। एंड देन इस वीक के प्रोबेबली एंड पे हमें सिंपल रिग्रेशन यूज के इसको सॉल्व करेंगे, एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बना लेंगे उस पर एक सेशन में। और आफ्टर दैट फिर वीक टू के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर, फिर मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन या फिर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को हम स्टार्ट कर लेंगे, उसमें स्पोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, KNN, उन चीज़ों को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके ऊपर भी हम कुछ एक एक या दो दो प्रोजेक्ट्स कर लेंगे। ओके, अभी मैं आपको दिखा दूँ कि आपको एनाकोंडा अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो वो किस तरह कहाँ से इंस्टॉल कर सकता है। सबसे पहले मैं गूगल करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक ये दो वीक्स का कोर्स है? नहीं, ये एटलीस्ट 2 months, 8 weeks तक हम इसको लेके चलेंगे कोर्स। पर अभी जो आउटलाइन डिजाइन है वो सिर्फ मैंने 2 to 3 weeks की डिजाइन किया और इसको मैं अपडेट कर दूंगा, और आपको सब रिसोर्सेज मेरी GitHub रिपो पे मिल जाएंगे, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। So, इस रिपो के अंदर मैं आपको सारी नोटबुक्स जो इस कोर्स के अंदर होंगी, सारी जो स्लाइड्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ, या बाकी रिसोर्सेज भी, अगर कोई बुक्स, कोई आर्टिकल्स हम इसमें रीड करते हैं तो उसके ऊपर उसको मैं इस पर पुश कर दूंगा, आप उसको अवेलेबल होंगी आपके लिए। और आप भी अगर जो अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप इसमें पुल रिक्वेस्ट करें कि हम सब उसको किसी सेशन में रिव्यू करेंगे और फिर उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और उसको इसमें ऐड करेंगे, मर्ज करेंगे, राइट? ओके सर, एक चीज बताइएगा, ये कोर्स करने के बाद किस लेवल तक मशीन लर्निंग हमें आ जाएगी? आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट इस लेवल तक हो गए। अगर आपको कोई मशीन लर्निंग प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको एटलीस्ट खुद से सॉल्व करके एक सॉल्यूशन लेके आ सकते। अगर आपको कोई डेटा दे दिया जाए, आपको एक गिवन प्रॉब्लम दी जाए तो आप सारे, आपको पूरे लाइफ साइकिल का पता होगा, आपको पूरी एल्गोरिथम्स का पता होगा, आप किसी सॉल्यूशन को बिल्ड करके आज इंशाल्लाह उसके साथ आएंगे। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें मेरी एक सजेशन है कि आप अपने लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट लिख दें कि जी मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ हाईकोर्ट गुरु के ऊपर, और आज इसकी पहली क्लास थी, पहली क्लास का लिंक ये है, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग इस जगह पे अवेलेबल, और साथ GitHub का लिंक दे दें कि मेरे सारा कंटेंट इस GitHub लिंक पे भी अवेलेबल होगा। और क्या कहते हैं कि इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टिंग टू जॉइन, सो ही कैन जॉइन इट ऑन iCodeGuru, ठीक है? जूम लिंक में दीजिएगा। जी सर, ठीक है, क्योंकि लेटर ऑन यही पोस्ट आपकी ऑथेंटिकेशन के तौर पे यूज होगी इंशाल्लाह सर, कि जब कोई प्रोफेसर आपके लिंक्डइन पेज पे देखे तो उसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नजर आए कि ये स्टूडेंट हर महीने कुछ ना कुछ कर रहा है। जी सर, तो ऑब्वियसली इस तरह जो
लाइकली माइंडेड स्टूडेंट हैं सीएस जो लर्निंग के लिए हैं, उन्हें भी पता चल जाएगा, लेकिन आपके अपने के लिए भी ये एज अ प्रूफ काम करेगा। जब आप अपने सीवी में लिखेंगे तो ये एज ऑथेंटिकेशन काम करेगा, ये प्रूफ होगा उस चीज का आपने बाकी कोर्स पढ़ाया था। जी सर। ओके एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा, ये काफी अच्छा कोर्स है, तो इसमें हर वीक जो पढ़े उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा जा सकते हैं, तो आप इसे जो लोग इंटरेस्टेड हो तो वो हर वीक का जो जितना काम किया उसे साथ साथ समराइज करते हैं और आर्टिकल एट एंड ऑफ द वीक उसे पब्लिश कर। बिल्कुल जी, बाकी साथी भी जो है फील फ्री टू राइट आर्टिकल्स, अपनी वर्डिंग में आर्टिकल लिखें, अपने स्टाइल से लिखें। तो दीज थिंग्स आर सुपर क्रूशियल। जब आपकी डिग्री खत्म होगी तो इट विल बी टू लेट। जी सर। जी सर। तो आपने से कोई साथी बताया कि एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए कितना टाइम लगाना चाहिए? सर 20-25 मिनट्स एटलीस्ट। हाँ, बेसिकली एक आर्टिकल को आर्टिकल जब आप कोई लिखते हैं लिंक्डइन पे या मीडियम पे तो उसे उतना टाइम ही लिखना चाहिए जितना टाइम आप प्रैक्टिकली दे सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग में कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंस देन इवन द क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल। क्वालिटी स्लोली स्टेडली खुद ही इम्प्रूव होती रहेगी अगर आप रेगुलरली लिखेंगे तो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हैं कि आपके पास आधा घंटा है तो आधे घंटे में जो कुछ लिखा जाता है अपने अल्फाज में राइट इट एंड पब्लिश इट, और बिल्कुल हेजिटेट ना करें कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं और लोग क्या सोचेंगे और मैं पहले अच्छी इंग्लिश करूँगा फिर लिखना शुरू करूँगा, क्योंकि उस सूरत में आप कभी लाइफ में नहीं लिख सकेंगे। इस स्पेसिफिक यूज केस में क्वालिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। जो मोस्टली लोग लाइफ में फेल होते हैं इस चीज में वो इसीलिए फेल होते हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे हो जाएंगे उसके बाद ये काम करेंगे, एंड दैट नेवर कम्स। तो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, जो कुछ आता है जैसा कुछ आता है बिल्कुल प्रेशर फील ना करें, बिल्कुल नर्वस फील ना करें, जस्ट गो एंड ट्राई इट। तो जब आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी तो देन अगर आप कंसिस्टेंटली राइटिंग करते हैं तो फिर अब आपके प्रोफेसर को जो जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए उसके लिए बहुत आसान होगा, वो ये देख लेगा कि अच्छा ये कैंडिडेट दो साल पहले कैसा लिखता था और आज इसकी राइटिंग किस लेवल तक पहुँच गई है, तो और उसे नजर आ जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जाएगी राइटिंग की। तो ये चीजें उस वक्त मैटर इसलिए करती हैं कि बाकी जो आपका कंपटीशन होगा उनमें से शायद ही कोई बंदा आर्टिकल राइटिंग करता होगा इतनी कंसिस्टेंटली, तो इस तरह आपको एक एज मिल जाता है, उसे उन्हें लगता है कि इस बंदे में डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स अ बिग पॉजिटिव पॉइंट। ओके एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप अकेले नहीं लिख सकते तो दो तीन लोग मिलके भी लिख सकते हैं, राइट? अगर एक फॉर एग्जांपल आर्टिकल आपने 200-500 वर्ड का लिखना है तो उसमें हर बंदा 100-100 लफ्ज लिख के तो जमा करा दे एक बंदे को, वो सारे आर्टिकल के अंदर अपना नाम डाल के उसे पब्लिश कर सकते हैं। ये एक बहुत तेज तरीका हो सकता है लिखने का। बिल्कुल जी, ऐसे भी किया जा सकता है। तो हमारे जिन स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स हुए हैं तो उनमें पिछले दो साल में एक्चुअली सबको ही मिले थे, और उसकी और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ओपन स्कॉलरशिप्स हो जाते हैं। नॉर्मली हम जो कोटा होता है पाकिस्तान के लिए उन स्कॉलरशिप्स में नॉर्मली अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे स्टूडेंट्स के जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट होती है जो प्रोफेसर देख सकता है कि अच्छा ये स्टूडेंट बोलता कैसे, प्रेजेंट करता, जिस तरह आज सरदार सलान ने पढ़ाया तो ये प्रोफेसर को बिल्कुल लिंक जाएगा कि जी ये देखें मैंने पढ़ाया था। इसी तरह आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फिर इंटरनेशनल हैकाथॉन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं अगेंस्ट अदर कैंडिडेट्स जो बेशक
यूएसए से हों, कनाडा से हों, अमेरिका से हों, इंडिया से हों, कि उनका सीवी इस लिहाज से खाली होता है, तो उससे फिर हमारे स्टूडेंट्स पिक हो जाते हैं, उससे फिर आपको एडवांटेज मिलता है, ऑब्वियसली टीचर को लगता है यार दिस कैंडिडेट इज समथिंग स्पेशल, और फिर ऑब्वियसली जब चांस मिलता है, जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो नॉर्मली देयर इज अ हाई चांस ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस के आपको क्या कहते हैं कि कंसिडरेशन मिल जाएगी। तो ये बातें सबको समझ आ गई हैं, किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन? जी सर, नो क्वेश्चन सर। हाँ तो बिल्कुल, जो भी काम करते हैं कोशिश करें कि उसको डॉक्यूमेंट करें, रजिस्टर करवाएं, या तो आर्टिकल की शक्ल में या लेक्चर की शक्ल में, ताकि वो एक प्रूफ भी बन जाए और एक आपके सीवी के लिए भी अच्छी चीज बन जाए। तो अगर आप लोगों में कोई चांस मिले तो आप में से कौन कौन साथी जो है वो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहेगा? मैं सर सबसे पहले। जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, मैं भी। तो कोई ऐसा साथी जो नहीं जाना चाहता? इसका मतलब सभी जाना चाहते हैं तो हाँ जी बिल्कुल, जब तक जो जो जाना चाहता है तो हम उनके साथ हैं, हम इंशाल्लाह आई कोड गुरु के साथ मेंटर्स, पूरी टीम पूरा जोर लगाएगी और ताकि आप लोग सक्सेसफुल हों, और इंशाल्लाह हम आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी करेंगे कि आप इजीली जा सकें आगे, और आगे भी जाके जब आप ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जाएं तो वहां पे भी आप बाकी लोगों से बहुत अच्छे हैं। That is the main goal. Inshallah. चलो जी, तो ओके, मैं अभी सोने लगा, तो क्या कहते हैं, इट इज लेट नाइट हियर, गुड नाइट सर। जी जी, ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर इस्लान फॉर दिस कोर्स। ठीक है, फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तो इन दैट केस के कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, चीजें समझें, तो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क देयर। ओके, फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है सर कल के लिए, कोई है काम कल हम क्या करेंगे, कोई होमवर्क आप देना चाहेंगे ये चीजें करके? नहीं, जस्ट कल हम पाइथन को एक इंट्रोडक्शन रिव्यू लेंगे, जिन जो स्टूडेंट फैमिलियर नहीं है ताकि वो थोड़ा फैमिलियर हो जाए, एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं ये अपनी आउटलाइन गिटहब रिपो जो है शेयर कर दूंगा आप साथ स्लैक चैनल पे और चैट में शेयर कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।